हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। बैकग्राउंड कुछ नया नया ऐसा लग रहा है, बताता हूँ। अभी बज रहा है रात का 12। तो क्या हुआ कि यार थोड़ा बहुत नहा फ्री होगा, जुमा भी है आज। मैंने सोचा अभी नहा लेता हूँ और सुबह फिर नहाने में भी भीड़ होगी और भूख लग रही थी। थोड़ा सा पास्ता बना लिया, पास्ता खाएंगे फिर 3 बजे सहरी कर लूँगा थोड़ी सी, कुछ सब्जी वगैरह पड़ी। अभी आपको स्टोरी बताता हूँ पूरी हॉस्टल की, क्या मामला है, अलग अलग सा बैकग्राउंड क्यों लग रहा है आपको। हाँ तो जी, हॉस्टल हो गया है चेंज। आप तो देखो हुआ क्या कि ये अभी फर्स्ट ईयर में इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एडमिशन बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये समझ लो आपके 500 से भी ऊपर। तो अपने टेकास वाला जो हॉस्टल है उसमें जगह बची नहीं है ना, जगह बची नहीं। तो अब ये मतलब हम लोग को जो है ना फिफ्थ ईयर वालों को, सबको नहीं, और मतलब ये समझ लो आप अप्रॉक्स 50-60 बंदों को इस हॉस्टल में, नए वाले हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया है। ये है मेरा कमरा। अभी घर वालों का कमेंट और डांट पड़ने वाली है, कमरा साफ रखा कर, कमरा साफ रख कर। उन्हें कौन बताए कि लड़कों का हॉस्टल है, कौन कैसे सफाई होगी। और दूसरी बात यह कि अभी जो अलमारी है ना, ये की है, इसमें भी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड, देखो ये अलमारी में भी जो है ना, अभी ये मतलब ये क्या कहते हैं, अब रॉड टाइप की लगी नहीं है तो कपड़े वगैरह टांगने की भी सुविधा है नहीं, तो इसलिए लगेज वगैरह में कपड़े भर रखे हैं। हम इसमें दो लोग हैं, हम लोग, मैं हूँ और कैलाश है। कैलाश तो अभी शायद उसी हॉस्टल में रुका है, कुछ काम था उसे, तो परमिशन मिल जाती है। और अभी तो इसमें इसलिए खाने पीने का सामान है, अभी एक ड्रॉ टाइप की और मिलेगी है ना। बड़ी मुश्किल से आज टेबल लेके आए, टेबल भी नहीं मिलती हमारे पास, तो बड़ी मुश्किल से टेबल लेके आए। और बाकी अभी एक और चीज़ आ जाएगी ना, तो फिर पूरा सामान जम जाएगा, रूम सेट हो जाएगा। कैलाश भाई की राजस्थानी टोपी, क्या वो क्या लाइन थी फेमस, पधारो हमारे देश राजस्थान, उसको पहन के घूम रहा था आज में दिन भर से। थोड़ा फिट नहीं है कैलाश के सर के हिसाब से। वैसा मामला है कि हम लोग जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है, तो हम लोग 8 बंदे हैं एक मतलब एक रूम में, तो 6 एक रूम में है और 2 हम एक रूम में। तो आपको भी 6 वाला दिखाता हूँ, फिर टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है, मतलब रूम के अंदर ही है लेकिन सेपरेट है, दिखाता हूँ अभी। बाकी सब जैसे सेकेंड फ्लोर पर जो रूम है ना, उनमें टॉयलेट और बाथरूम जो नहाने का वो कम्बाइंड है, हमारे रूम में ये फ़ायदा है कि वो सेपरेट है दोनों। ये हॉल है फर्स्ट फ्लोर पे, सिर्फ हमें लोग हैं यहाँ रहने वाले, नहीं एक वो जो आगा है वो रहता है, वो कोई नहीं रहता अभी। और यहाँ पे किचन दिखा दूँ आपको, लॉन्ड्री भी फ्री है, किचन भी 24 घंटे खुलता है, बस ये फ़ायदा है यहाँ का। बहुत रेयर चांस है कि तीनों लॉन्ड्री जो है ना खाली पड़ी है आज, नहीं तो इतना रश होता है पूरे टाइम जो है ना, कपड़े भरे रहते हैं। बहुत मतलब किस्मत वाली बात है कि आज तीनों लॉन्ड्री खाली पड़ी है। कपड़े तो खैर मैंने धो ही लिए थे, मेरे कपड़े टंग रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ, लॉन्ड्री फ्री है, कैसे भी धो। किचन भी 24 आवर्स ओपन है, कभी भी आओ, कभी भी खाना बनाओ, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती। दोपहर के टाइम 3 से 4 बजे तक रहती है, मतलब कुछ नहीं रहती। टाइम होने वाला है, बस अभी तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़नी है और फिर सहरी करेंगे, फजर पढ़ के फिर सोएंगे, फिर सुबह उठना जुमे के लिए। रूम तो यहीं रह गया। एक फ़ायदा और है ये हॉस्टल का कि बस ये जैसे वहाँ 11 बजे बंद हो जाता है अपना टेकास, यहाँ बंद नहीं होता, यहाँ मतलब 12-1 बजे तक आप बाहर रह सकते हो। और रूम में अभी वो नहीं है, मतलब कुंडी नहीं लगी है तो स्टूल लगाना पड़ता है गेट बंद के लिए, यही प्रॉब्लम है बस। और ये सामान जो है इसलिए ये वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कबर्ड मतलब जो है ना ड्रॉस टाइप में, वो है नहीं अभी, तो वो आ जाएंगे, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो आ जाएगी, तो फिर सारा सामान जमा लूँगा। जल्दी से अब तहज्जुद पढ़ लेता हूँ, फिर सहरी करूँगा। नमाज़ पढ़ ली है, अब सहरी का टाइम हो गया, तो बस ये लावाश है मेरे पास, नान टाइप की होती है ये, इसको सेक के घी में बटर में, और किचन में जा रहा हूँ सेक के पैन पे, और फिर खाना सहरी करूँगा। सब्जी भी पड़ी है मेरे पास, रखिए लावाश सेक ला मस्त गर्मा गर्म घी में। अब इस बस सब्जी निकाल के सहरी करूँगा। ठीक है गाइस, नमाज वगैरह पढ़ के हो गए फ्री, फजर की भी सहरोज़ा हो गया स्टार्ट, 4:04 हो रहा, तो चलिए बस जा रहा हूँ सोने, फिर सुबह उठना भी है, नमाज के लिए क्लास भी है, चलिए मिलते हैं फिर सुबह। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आ गए मस्जिद, जुमा पढ़ने, जुमा मुबारक। ये हमारे जूनियर उदाम भाई,
रमजानों के टाइम पे तो इतनी भरी रहती है मस्जिद, इतनी भरी रहती है कि बाहर तक जगह नहीं मिलती, टाइट फुल पैक हो जाता है, जल्दी आना पड़ता है। 15-20 मिनट पहले आए खुतबे के भी, उसके बाद भी देखो जगह मुश्किल से ही मिले। हो गया नमाज पढ़ के फ्री अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी भीड़ थी यार, और अभी देखो कितनी तेज़ धूप है, लेकिन ठंडी धूप है, वही ठंडी धूप वाला मामला हो रहा है वापस से। गर्मियों का टाइम है, इस बार टेम्परेचर भी अजीब से चल रहा है, और बस अभी थोड़ा वापस अपने हॉस्टल जाऊँगा, सामान वामान उठाऊँगा, फिर यूनिवर्सिटी जाना है थोड़ा वो डिग्री के काम से। बैक इन दी हॉस्टल, और बस अभी क्या थोड़ा बैग वैग उठा के और कब वो जैकेट चेंज करके, ठंड हो रही है बहुत तेज़ हवा चल रही है, बाहर चेंज करके फिर निकलेंगे। आगा काक देला गबर गबर इत हाय, तो मैं YouTube वीडियो हां लो प्रीवियस टू ये बस। हां भाई रूम पे आया और कैलाश भाई ने इतना मस्त सरप्राइज दिया कि ये थोड़ा गेट पर टूट रहा था तो उसने काम शुरू करवा दिया इतनी देर में, मजा आ गया यार। अभी लॉक वॉक लग जाएगा, काम हो जाएगा बस। कैलाश भाई जा भाई, इतने ठस आ गए थे ना, इतने ठस, एक वो कुंडी लगाने में उन्होंने आधा घंटा लगा दिया, उनसे काम ही नहीं हो रहा आधा घंटा, तो मैं आधा घंटा मेरे सामने लगाया और बाकी उससे पहले काम कर ही रहे थे। अब खैर हम लोग, मैं और कैलाश जा रहे हैं यूनिवर्सिटी थोड़ा वही डिग्री के काम से, पैदल ही जाएंगे, पास ही यूनिवर्सिटी, यहाँ 10 मिनट के वॉक पे ही है, यहाँ से सब पास रहता है। ये है हमारा हॉस्टल बैग, 2 महीने में डिग्री मिलेगी बस इंशाल्लाह, 2 महीने बाद डिग्री लेना, तो वही नाम वगैरह चेक करने, डॉक्यूमेंट्स के सब सही है कि नहीं है, पूरे हैं कि नहीं, वही चेक करने जा रहे हैं। हाँ तो आपको मैं बताने जा रहा था ना कि पूरी स्टोरी यार, हमें हॉस्टल को शिफ्ट करना पड़ा। अरे हुआ ये कि सोहेल सर ने हमें बोल तो दिया था 16 तारीख को शिफ्ट करो, मैं और कैलाश जो है ना डेली सुबह शाम 3 बार जलील होने जाते थे, अच्छा लगता था जलील होने, हमें आदत सी हो गई थी कि यार जाना है सोहेल सर से जलील होकर आना, थोड़ा सा मना सुन के आना कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब हुआ ये कि यार हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो सोहेल सर भी मजबूर थे, बच्चे आ रहे थे तो हमें ट्रांसफर कर दिया। बस हुआ ये कि हमसे ये 2 लिस्ट निकाली थी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में हमारा नाम था ट्रांसफर के लिए, अब लिस्ट 1 जैसे ही निकल गई लिस्ट 2 वालों को आना ही नहीं है, मना कर दिया गया उनको, अब शायद नहीं आना, उनको ट्रांसफर नहीं होगा, हमारी बैड लक समझो या जो भी है, अल्लाह देखने वाला, चलो खैर क्या करना, आ तो गया अपन हॉस्टल में, अब तो आ गए जो है, अब जो हो गया हो गया, चलो ठीक है। रूम यहाँ हॉस्टल भी अच्छा ही है वैसे, वहाँ से तो काफ़ी अच्छा है, से वो फ्रीडम बहुत है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, 24 आवर्स गर्म पानी है, इसलिए वही है। अब चलो डिग्री के लिए जाते हैं, काम वगैरह करते हैं यार। वो आईगिरी मैम तो अभी आई नहीं, तो क्या 3 बजे लंच ब्रेक खत्म होगा, तो मैं 3 बजे का वेट कर रहा हूँ नीचे, तो प्रैक्टिस चल रही है, आर्मी वालों को दिखाता हूँ एक सेकंड। भाई इतने डॉक्यूमेंट दे दिए हमें, और इनमें से कहा है हमारे ग्रुप के तो 2-3 लेकिन निकले पड़े हैं, इन सब में से कहा है कि छाटो हमारे ग्रुप के, छाट के फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे। हो गया काम सारे, डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए चेक अल्हम्दुलिल्लाह। कैलाश भाई का तो डॉक्यूमेंट जो है ना वही बाहर पड़े थे, मिली नहीं रहा तो पता नहीं डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर डॉक्यूमेंट सारे ढूंढ के फिर इकट्ठा करें, 4 बंदों के हमारे ग्रुप से बाहर थे डॉक्यूमेंट सबके, फिर अब डाल दिए हैं उसमें डॉक्यूमेंट में, अब इंशाल्लाह बस डिग्री का काम हो जाए सही से। वापस जा रहे हैं हॉस्टल पैदल ही, मौसम अच्छा हो रहा है, धूप बहुत तेज हो रही है, कल क्रिकेट मैच भी है, तो कल का भी इंशाल्लाह हुआ तो व्लॉग बनाऊंगा, तो 2 व्लॉग आएंगे कंटिन्यू। अब तो निकलते हैं हॉस्टल के लिए, बैटिंग दिखाऊंगा मेरी, कैलाश भाई का स्कोर बोर्ड शेयर करूंगा कल मैं थोड़ा। कैलाश भाई को भूख लग रही थी, डोनर खाने आया कैलाश भाई, मेरा तो रोज़ा है, वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यूनिवर्सिटी में, वैसे ही बहुत टाइम आता है, अब तो क्लासेस भी जो है इतनी कम ही लग रही है, हॉस्पिटल में ही लग रही है क्लासेस, हॉस्पिटल लग रही है तो थोड़ा मेमोरीज और बना लें। हमारे ग्रुप वाले कहते हैं कि हमें जो है ना क्लासेस में जाके बैठना है पूरे टाइम, मेमोरीज बनानी है, 5 साल की मेमोरीज कम पड़ रही है। जा रहे हैं वापस, खा पी के कैलाश में हो गए फ्री, और हॉस्टल जा रहे हैं अपने पैदल, थोड़ा साफ सफाई करेंगे रूम की। तो कैलाश भाई ने एक बहुत तगड़ा जोक मारा, मैंने कहा कि जा रहे हैं मेड अकेडमी से, तो कैलाश क्या कहते बोला, ऐसे सच में मेड अकेडमी है पागलों की, मेड से मैड कर दिया, मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। बैक इन दी रूम, और साफ सफाई का तो ये मामला है कि वो आपा ही को बुलवा के करवा दिया था उन लोगों ने, रूम मेट, कैलाश भाई तो आराम से बैठे टेंशन फ्री होके। उसमें यार कल के बर्तन वगैरह पड़े हैं, बर्तन धुलाता हूँ, अभी तो 4 बजा है, थोड़ा आराम वराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर इफ्तार करेंगे। आज तो सुरेंद्र की तरफ से ना, शाम का टाइम हो गया है, 7:30 हो रहा है,
और बस सूरज डल ही रहा है, कुछ करने भी नहीं है हमारे, तो क्या नींद लग गई थी थोड़ी सी, तो रेस्ट वेस्ट कर लिया, उठ भी क्या, नमाज भी पढ़ लिया सिर की। अब जाता हूँ देखता हूँ अगर उनके वो सुरेंद्र भाई की तरफ से इफ्तार है ना, अगर उनको कुछ काम मत अच्छी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इफ्तार करेंगे और फिर वहाँ निकलेंगे अपने पुराने हॉस्टल के लिए, रोटी वगैरह लेनी है, सब्जी वगैरह लेनी है। और ये है सुरेंद्र भाई, इफ्तार सर्व कर रहे हैं हमारे। बिरयानी भी तैयार है, खीर भी तैयार है, खीर भी तैयार है, खीर भी दिखाते हैं, खीर और ये खीर भी तैयार है, और क्या है, हलवा भी तैयार है, और उधर हलवा भर ही रहा है सुरेंद्र भाई हलवा वाले, और इधर ये लोग जूस पोर कर रहे हैं। यार माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब टेस्ट भी अच्छा था। अब बस जल्दी से नमाज़ पढ़ रहा हूँ मगरिब की, फिर निकलूँगा दूसरे हॉस्टल के लिए पैदल ही। चलो भाई लोग हम तो निकल गए हॉस्टल से और पैदल ही जा रहे हैं, एक डेढ़ शायद 1.9 या 2 किलोमीटर होगा यहाँ से अपना हॉस्टल का पास ही है, तो पैदल जा रहा हूँ। और इफ्तार में तो आ गया मज़ा, आज हुआ क्या कि सुबह नहीं, दो दिन से यार बहुत मन था कि बिरयानी खाना है, बिरयानी खाना है, तो मैं मोनार्क में जाके बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा, आज मेरे दिन में सोच रहा था कि आज कुछ भी हो जाए वापसी में मोनार्क होता ही आऊँगा, और अल्लाह ने ऐसा करना किया कि बिरयानी इफ्तार में ही मिली माशाल्लाह। खैर चलो अभी तो जा रहा हूँ और वहीं हॉस्टल जाके मिलते हैं। ये कजाकिस्तान का मौसम भी कुछ अजीब सा ही है साला, दिन में धूप पड़ रही थी मैंने आपको दिखाया था, अभी इतनी तेज़ हवा है कि ठंड लग रही है, मोटी वाली जैकेट पहन के आनी पड़ी, इतनी तेज़ हवा चल रही है, लग रही थी मतलब इसलिए। पेट्रोल देखो अब यहाँ कितना सस्ता है, 92 वाला है 178 टैंक लीटर का, मतलब इसका अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में हो गया आज के रेट के हिसाब से 36-38 रुपीज़, इतना सस्ता पेट्रोल है यहाँ पे। कैलाश भाई रोटी बनाने का काम शुरू कर चुके हैं MBBS छोड़ के, कैलाश भाई को कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से अब। कैलाश भाई एक बार बेल भी दो यार, कैलाश भाई ने आज खाना खाया और पैसे नहीं दिए, इसके लिए आगर ने इनको रोटी बेल लेके काम पे लगाया है। हाँ तो बस जा रहे हैं वापस टैक्सी में जा रहे हैं वापस, क्योंकि वो यार गौरव भी है साथ में, उसका मन था टैक्सी में जाने का, तो हमने कहा चलो टैक्सी में ही चलते हैं, और दूसरे हॉस्टल के निकल रहे हैं बस, और फिर वहाँ जाएंगे नमाज पढ़ के और व्लॉग एडिट करने बैठूंगा। चलिए मिलते हैं ना फिर, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इंशाल्लाह कल भी व्लॉग बनाऊंगा, कल मैच है हमारा टूर्नामेंट क्रिकेट का, क्वार्टर फाइनल से वो जीत गए तो सेमीफाइनल में पक्का है, मिलेंगे तभी आपको है ना, कैलाश नहीं रुका आज हॉस्टल पर, बाय।